ये हमारे राहुल सिंह जी प्रथम बार गाड़ी चलाते हुए चक्कर में काय पड़ा है, 95 हार्ड है, क्या हुए? मतलब इंसान से राय कोई नहीं मांग रहा, इंसान अपनी राय खुद ही दे रहा। अब राम राम सही भैया, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज हम लोग भाई डे टू हमारा ड्राइविंग सीखने का, हम लोग जा रहे हैं ड्राइविंग सीखने। कल हमने थोड़ी बहुत सीखी थी, बट आज हम लोग पूरी सीख लेंगे यार। वही यहाँ पे भैया आ गए सामने घर के, तो हम लोग जा रहे हैं भैया के पास। जो आपको भैया से मिलवाते हैं आज, ठीक है? ओके गाइस, टेक केयर। सिस्टम पैड का चल छोर टोर में गाड़ी बचाना तुम मैं ठावा जिटी रोड पे। सिस्टम पैड आज तुम्हें स्टार्टिंग पता व्लॉग की खतरनाक तरीके से करेंगे। ये देखो, ये है मेरा स्टैंड, ठीक है भाई। कुछ समय पहले था ये, मुझे गाड़ी चलाना आती नहीं थी। सपोज करना गाड़ी चलाना मुझे आती है, सपोज क्या भाई, हकीकत है भाई, गाड़ी चलाना नहीं आती, ठीक है, सीखी ना मैंने गाड़ी चलाना। ऐसे अभी तो इतने सुबह से 4 कॉल आ गए, 3 तो मेरे रिश्तेदार का था और 1 मेरा दोस्त था। तो बोलता है ये व्लॉग के चक्कर में काय पड़ा है, 95 हार्ड है, क्या हुए? मतलब इंसान से राय कोई नहीं मांग रहा, इंसान अपनी राय खुद ही दे रहा। अब मैं जो मेरे रिश्तेदार थे, वो अब पर्सनल नाम तो भाई ओपन नहीं करूँगा, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर, भाई साहब तू ये बता तुम कर रहे हो क्या? अभी मैं व्लॉग नहीं बना रहा था तो कोई फोन नहीं कर रहा था, आज मैं काम कर रहा हूँ तो 1000 लोग फोन कर रहे हैं। सपोज भाई 1000 लोग, मैं बान बता रहा हूँ तुम लोगों को, 1000 लोग फोन कर रहे हैं भाई, क्या है यार ये? अगर कोई बंदा, मैं सपोज मैं अपनी बात भाई नहीं कर रहा हूँ, सपोज कोई 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 बंदा है एक चीज से निकलना चाह रहा है, एक जाल है मकड़ी का, उस मकड़ी के जाल से वो निकलना चाह रहा है, बट उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा, जब वो खुद अपना रास्ता बना रहा है। और ये तू क्या कर रहा है, तू पागल आके खाई है? आगे खाई है तो वो ही तो कूदेगा, तेरे पेट में काय जलन हो रही है भाई? मेरा कहने का मतलब भाई ये है, अरे भाई इंसान अगर कुछ काम कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है ना। अगर वो उठ गया, जब तुम बहुत पीछे पीछे बैठोगे, अरे भाई ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, ये हमारा बेटा IPS है, ये हमारा बेटा कॉन्स्टेबल है, ये हमारा बेटा इंस्पेक्टर है, भाई ऐसा ना चले भाई। इंडिया में तो ऐसा भाई चलता रहता है, बट भाई ऐसा ना चले भाई। अगर कोई इंसान, कोई भी भाई, सपोज को तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, कोई भी इंसान अगर कुछ अलग काम कर रहा है, अगर वो लाइफ में कुछ ना इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, तो आप प्लीज उसको सपोर्ट करो, ना कि खींचो भाई, ठीक है ना? ये मेरा भाई आज रिक्वेस्ट है भाई तुम लोगों से, यार रिक्वेस्ट ही समझ लो भाई, ठीक है ना? अगर कोई इंसान कोई कुछ करना चाह रहा है ना भाई लाइफ में, तो तुम उसको सपोर्ट करो भाई। इंडिया की तरह मत बनो कि इंडिया में हर इंसान भाई सब ये कैसे ऊपर जा रहा है, अरे ऊपर जा रहा है, नीचे आ, नीचे आ भाई। नहीं यार भाई, हमारा इंडिया कितना अच्छा है, हमारा इंडिया जैसा कोई भाई देश नहीं यार, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बता रहा हूँ यार तुम्हें, हमारा इंडिया बहुत अच्छा है भाई। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया बेकार बोलते हैं, सपोर्ट करो भाई। और फॉर माई रिश्तेदार्स भाई, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ भाई, वो इट्स माई डिसीजन भाई। अगर मुझे आज मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो मुझे आप दे दो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आप मुझे दे दो, लो मैं अभी मैं तुम्हारी बात सारी मानूंगा यार, तुम जो बोलो मैं तुम्हारी वाली बात मानूंगा, तुम मुझे 1 लाख रुपए अभी मेरे अकाउंट में सेंड कर दो, मानो तुम। अभी तुम्हारा फोन मैं मिस कॉल करूंगा, तुम्हारा फोन आएगा, द नंबर यू हैव डायल इज करंटली स्विच्ड ऑफ। भाई मुझे सब पता है भाई, जो तुम लोग कर रहे हो ना, मैं वो चीज़ भाई मैं बहुत देख चुका हूँ भाई आपस में, आसपास में, ठीक है भाई? ओके सपोर्ट करो गाइस, ठीक है? ओके और गाइस, आज का जो था भाई हमारा रूटीन, सुबह के 95 हार्ड डे चैलेंज के जो भी रूल्स थे सब हो चुके, अब हमारा वर्कआउट नंबर 2 बचा हुआ है। और भाई अभी दिन में हमने अभी 4 लीटर पानी पी चुके, 2 लीटर पानी पीना बाकी है भाई। पानी पीने से एक बात तो मैंने आज सीख ली, आपकी लाइफ में कुछ एक अलग अलग चीज़ें मतलब हो रही हैं। पहले क्या था, मैं पानी बहुत कम पीता था, मतलब 2-3 लीटर पी लिया, बट अब मेरे माइंड में था क्या क्या आता है, अरे ये वाला काम करना, युवा वाला का काम करना, अरे पानी पीना है, अरे व्लॉग डाल, ये कर, मतलब काम ऑटोमेटिक, हमारा दिमाग, मेरा दिमाग तो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ये काम वो काम, सारे काम दिमाग बता रहा है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो भाई पानी पियो, मैंने पानी से तो भाई आपके लाइफ में डिसीजन मेकिंग की जो ताकत है ना, पावर, वो पावर आपकी बहुत अच्छी इम्प्लीमेंट होगी गाइस, ठीक है गाइस? ओके ये हमारे राहुल सिंह जी प्रथम बार गाड़ी चलाते हुए,
बड़े प्रसन्न मुद्रा हमें नजर आ रहे हैं। भैया टेंशन हो रही है। टेंशन क्यों हो रही है, बढ़िया चला रहे हो यार, बताओ एकदम। यमुना एक्सप्रेस है। हाँ एकदम बढ़िया चला रहे हो भाई, एकदम मस्त। ऐसे ही चलाए, ऐसे ही सीखते हैं, आराम से चलते चलना है ना। कैसा फील हो रहा है? बाद में बताऊंगा, अभी अभी सामने देख रहा हूँ रोड वोड को कैसे मेंटेन करें। गाड़ी पे ध्यान रखो। गुड भाई, हमारी दूसरी गियर में चल रही है। कैसे लगे? दूसरी गियर में चल रही है। अच्छा भाई, चेक करो भाई मेरा पंप यार, मुझे पता है भाई अभी पंप मेरा उस तरह से नहीं आया, बट ये है कि भाई जो पहले की बॉडी थी और आपकी बॉडी में भाई थोड़ा सा डिफरेंस आया है। पंप में हो गया थोड़ा सा, मतलब पहले कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था बट अब कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। ऐसा मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बॉडी में एक नए इम्प्लीमेंट्स को एक्शन दे रहे हैं। ओके तो गाइस, आपको ये व्लॉग मुझे लगता है भाई बहुत ही अच्छा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा हो। वैसे मुझे तो लगता है भाई आपको बहुत अच्छा लगा है ब्लॉग, ठीक है। तो गाइस जो भी भाई, और सिंपल सी बात आपसे एक कहना चाहूँगा भाई, जो लोग भाई बोलते हैं कि ये भाई देखो लाइफ है भाई, कर लो भाई, कर लो जो तुम्हारा मन चाहे वो करो, ठीक है। और अपने ड्रीम को भी टाइम दो, अपने एम को भी टाइम दो, और जो तुम काम करो उस काम को भी टाइम दो, सबको टाइम दो बट अपने आप को भी टाइम दो, ठीक है। ओके गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर डी एंड, इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, इसे ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, राम राम भाई सभी भाइयों को।